जीत, चेरी के मददगार का कुछ पता चला? नहीं शब्द, अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जरूर कि मैं किसी भी पल उस तक पहुंच सकता हूं। हालांकि अभी तक मैं उसे साफ साफ नहीं पहचान सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर समझ गया, चेरी अपने गुनाहों के मददगार के बहुत करीब है, काफी नजदीक है उनमें। कितनी अजीब बात है ना जीत, जिन्हें हम दोनों ढूंढ रहे हैं वो हमारे आसपास ही हैं, और ये बात हम दोनों जानते हैं, फिर भी अभी तक उन्हें साफ साफ पहचान नहीं पा रहे। आज सुबह मैंने चेरी को एक आदमी के साथ देखा था, और मुझे पूरा यकीन है वो वही आदमी था जो शुरू से हमारे खिलाफ चेरी की हेल्प कर रहा है। वो चेरी का मददगार ही था, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। काश मैंने उसका चेहरा देखा होता तो आज ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। और मैंने भी परमीत को घर के आउट हाउस में एक लड़की के साथ देखा था, लेकिन मैं भी उसका चेहरा देख नहीं पाई, वरना सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। ये देखो, मुझे पूरा यकीन है ये स्टोल उसी औरत का है जिसके साथ परमीत का अफेयर चल रहा है। बस रब मेहर कर दे तो मैं इस स्टोल वाली को जरूर ढूंढ निकालूंगी। अरे ये मेरा स्टोल यहाँ कैसे आया? मुझे लगता है आप लोग भूल गए कि मैं और परमी हम दोनों कनाडा से आए हैं। हमारी बहुत ही पुरानी जान पहचान है, और जान पहचान भी कुछ ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही खास जान पहचान है हम दोनों की। आप समझते हो मैं परमी पर खामखा शक करती हूँ, है ना? तो बोलो ये लिपस्टिक का निशान इस टी शर्ट पर कैसे आया? आज तो मैं जेके मॉल गया ही नहीं। तो फिर ये क्या है? हाँ याद आया जीत, मुझे मैं गया था जेके मॉल सुबह 10 बजे। मैं भी भूलने लगा हूँ, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। इसका मतलब ये कि चेरी का वो अनजाना मददगार उसके गुनाहों का साथी परमीत है। आज तक परमीत चेरी की हेल्प करा था, जिसकी वजह से परमीत ने मुझसे बेवफाई की, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी का एक भी दिन चैन से नहीं बिता पाई, और अपना घर छोड़ के अपने मायके में रह रही हूं, उसकी वजह ये चेरी। अपनी भाभी है। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। हम कब से चेरी के मददगार को ढूंढ रहे हैं, और वो हमारे घर में ही था। वो
तो वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र है कि आज हम गुरुद्वारे में आ गए, वरना आज भी आप अंधेरे में रहते। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। नहीं ज्योति, तुम अभी किसी को कुछ नहीं कहोगी। लेकिन जी। ज्योति, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, चलो मेरे साथ, सब चलो। ज्योति, मेरी बात सुनो, चलो। मैं बोल रहा हूँ ना। छोड़ जीत, इतना बड़ा धोखा ये परमित अपने आप को समझता क्या है? मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। देखना मैं इन दोनों का क्या हश्र करती हूँ। इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे मायके में आकर मेरे घर वालों के पीठ में छुरा घोंपे। जीत, मुझे उनको सबक सिखाना है। छोड़ जीत मुझे। नहीं ज्योति, बेवकूफ से ऐसी बातें मत करो। अभी अभी तो उनकी असलियत के बारे में हमें पता चला। देखो ज्योति, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी तो हुआ है ना। जो धोखा तुमने खाया वैसा धोखा मैंने भी तो खाया ना। अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को ज्योति। जीत, रब ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने किसी का जो हमें इतने बेवफा जीवन साथी मिले? पता नहीं तू किस मिट्टी का बना है, पर मुझसे इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। जी, मैं तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए नहीं कह रहा हूँ ज्योति, थोड़ा सा सब्र करने के लिए कह रहा हूँ। और वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परमीत और चेरी की सच्चाई सिर्फ हमारी आंखों ने देखी है। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बल्कि अगर उन्हें यह पता चल गया कि हमें चेरी और परमीत की सच्चाई के बारे में पता चल गया है, तो वो होशियार हो जाएंगे और वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा देंगे। ज्योति, ये ठीक कह रहा है। अगर गुस्से में आके हमने गलत कदम उठा लिया बिना किसी सबूत के, तो उनका पलड़ा भारी हो सकता है। वो मानहानि का केस हम भी कर सकते हैं। अगर हमें उन्हें फंसाना है तो हमें इस तरह फंसाना होगा ताकि दुनिया का कोई भी लॉयर उन्हें बचा ना सके। यासु बहाने का वक्त नहीं है ज्योति। तुम्हारे चेहरे से किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमें परमीत और चेरी की सच्चाई के बारे में पता चल गया है। शब्द, अब हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना होगा कि हम चेरी और परमीत की सच्चाई सारे सबूतों के साथ सबके सामने कैसे लाएं। वो हमारे साथ एक बहुत प्लान्ड गेम खेल रहे हैं, हमें उनसे समझदार रहना पड़ेगा। उन्होंने तो अपना खेल खेल लिया है, अब हमारी बारी है। शब्द, चेरी और परमीत ने न सिर्फ ज्योति और मुझे धोखा दिया बल्कि वो वीर भाई के कातिल भी हैं। उन्हें हम किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, एक साथ मिलेगी। बिल्कुल जी, तुम देखना, चेरी और परमीत के पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया है और उसके फूटने का वक्त आ गया है। हमें बस ऐसा प्लान बनाना है ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़े, बस। लेकिन शब्द, एक बात का ध्यान रहे, ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। घर में इस बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। मम्मी जी, कितना प्यारा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है सोनी, इन्हें मम्मी जी ने खुद अपने हाथों से बनाया। मम्मी जी, आपने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे बना लिया? अरे सोनी, भूल गई, जब तुम लोग बच्चे थे तुम्हारे कपड़े और स्वेटर्स मैं अपने हाथों से बनाया करती थी। और देखिए झबला, ऐसा ही झबला मैंने तेरे वास्ते बनाया था जब तू छोटी थी। अब मैंने तेरे बच्चे के वास्ते बनाया है, अब वो पहनेगा। मम्मी जी, मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा ना, तो मैं उसे बताऊंगी ये सारे कपड़े तुम्हारी नानी जी ने बनाए। पर मम्मी जी, आपको कैसे पता कि लड़की होने वाली है? आपने झबला कैसे बना लिया? बुद्धू राम, ये झबले जो होते हैं ना, नन्हे मुन्नों के लिए होते हैं। अच्छा,
जब बच्चे छोटे होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके कपड़े एक जैसे होते हैं। ये नन्हे मुन्ने जो है ना, रब की देन है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। मुझसे तो सबर नहीं हो रहा है, कब तेरा नन्ना मुन्ना आएगा, मैं उसके गोद में लेकर खेलूंगी और बहुत सारा प्यार करूंगी। देख रही है सोन, तेरे बच्चे की आने की खुशी में मम्मी जी बच्ची बनी जा रही। वैसे सोनी, ये तो पता तुझे क्या चाहिए, मतलब तुझे क्या लगता है, लड़का होगा या क्यूट सी लड़की होगी? मेरे बच्चे, तू नहीं जानता मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था, और तेरे लिए न जाने मैंने कितने नाम सोच रखे। अगर वाहेगुरु ने तुझे मेरी बेटी बनाकर भेजा तो मैं तेरा नाम रखूंगा सिया, और अगर तू मेरा बेटा बनकर आया तो मैं तेरा नाम रखूंगा आदित्य। लेकिन मैं जानता हूं तू मेरी एक बात बिना सुने भी महसूस जरूर कर लेगा, ये जो तेरा पापा है तुझसे बहुत प्यार करता है। पता नहीं जो भी हो, लेकिन उसके आने से सबसे ज्यादा खुशी मेरे वीर को होगी। सबसे ज्यादा खुशी मेरे वीर को होगी, है ना? हाँ बेटा। मैं भी कहाँ खो गई, हम लोग तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, ना मैंने चाय पूछा ना नाश्ता। चलो मैं अभी तैयारी करके आती हूँ। अरे सुन, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, चल। चलो। अरे मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, अकेली मैं भी आ रही हूँ। बहन जी, आज बहुत दिनों के बाद मैं सोनी को इस तरह हंसते देख रही हूं, वरना मेरे पुत्र के जाने के बाद हम तो इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गए थे। एक बात बताऊं बहन जी, अब हमें आपकी बेटी बहू नहीं, बेटी लगने लगी है। पर इसकी जिंदगी में वीर के जाने के बाद जो सुना पनाया है ना, हम चाहे कुछ भी करें वो खालीपन न आप भर सकती हैं और न मैं। आपने जो कुछ भी सोने के लिए किया है शायद कभी हम भी नहीं कर पाते इतना। मोनी बहन जी, सोनी जैसी भली और भोली बच्ची के लिए कुछ भी करना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मंदिर में दिया जलाना। लेकिन मैं क्या जी, हम भी कब तक रहेंगे, सूखे पत्ते हैं, पता नहीं कौन सा हवा का झोंका है और हमें डाल से अलग कर दे। जाने से पहले रब से मेरी एक दुआ है कि मेरी सोनी की जिंदगी में उसके लायक कोई भला बंदा मिल जाए, ताकि उसको पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले ना काटनी पड़े। दुर्गा बहन जी, ये आपने क्या कह दिया? मैंने बड़ी सोच समझ के बात ये बात कही है बहन जी। सोनी की जिंदगी का सूनापन देखती हो ना, तो मेरा दिल बैठ जाता है बहन जी। लेकिन मुझे नहीं लगता सोनी वीर की जगह किसी और को दे पाएगी। जानते हैं जी कि सोनी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वही तो हमें करना है, हम उसके बुजुर्ग हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरह से समझाते हैं, ऐसे समझाएं कि वो हमारी बात को समझ भी जाए और मान भी जाए। लेकिन समाज उसका क्या? समाज तो लोगों से ही बनता है ना जी। जब हम लोग सोनी के साथ हैं
तो किसकी क्या मजाल है जो उसे कोई कुछ कहे। मनी बहन जी, हम तो सिर्फ आपके दिल की बात जानना चाहते थे कि आपको तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसका हाथ थामेगा कौन? मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है जी। अगर उसे हमारी सोनी के वास्ते कोई बनाया है तो जरूर उसकी जिंदगी में आएगा। हीरे की परख तो जोहरी को ही होती है ना जी। आप देखना, हमारी सोनी की अच्छाइयों का कदरदान जरूर कोई ना कोई होगा। फिर जैसे वक्त आएगा अपने आप हमारे सामने आ जाएगा। मम्मा, पापा, आंटी जी, खाना लग गया, चलिए।